अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग था अभी कुछ 2-3 दिन पहले का, शूट कर लिया था बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि घर में मतलब सारा का सारा बहुत सारा काम हो रहा है, इधर उधर सामान रखना और उसको सही से उसके प्रॉपर प्लेस पर रखना, उठाना, वेस्ट निकालना। तो घर में जब जाते हैं तो किचन रेडी किया था, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी ये मम्मी ने मुजफ्फर बनाया था, मेरी मदर इन लॉ ने। तो उन्होंने कहा कि पहली बार कुछ बना रहे हो तो मीठा बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। तो मैंने तो नहीं, उन्होंने ही बनाया था, मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ क्योंकि बड़ों का हाथ लगना अच्छा होता है ना, अल्लाह ताला घर में बरकत दे। और बस फिर ये बना लिया था, मैं शूट कर रही थी, थोड़ा सा मतलब जो पैकेट में रह जाता है। और ये जो स्वीट बनाया था मुजफ्फर, ये इस टाइप से था कि पहले जो ड्राई फ्रूट्स थे काजू बादाम, तो बादाम को भिगा के उसके पील ऑफ करके उसे कट कर लिया था और उसको देसी घी के अंदर अच्छा सा रोस्ट कर लिया और उसको साइड में रख दिया। जो देसी घी था उसी के अंदर थोड़ा सा दूध बॉईल करके, और जो चावल होता है ना, चावल को हल्का दरदरा सा मिक्सी में पाउडर कर लिया, ज़्यादा पाउडर नहीं, हल्का दरदरा। और बस फिर उसके बाद चावल पका के दूध अलग से बॉईल करके चावल को मिक्स कर दिया और उसको अच्छे से घोट के उसके अंदर चीनी मिला के जो ये स्वीट था मुजफ्फर था ये रेडी हो गया था। बाद में जितना भी ड्राई फ्रूट्स था सब उसके अंदर मिक्स कर दिया। और ये बस जो मम्मी के नेबर्स थे उनको मैं देने जा रही थी, सबको दिया भी नहीं क्योंकि मतलब इतना, मैं थर्ड फ्लोर पर थी, थर्ड फ्लोर से कुछ लोग सेकंड फ्लोर पर थे, कुछ थर्ड फ्लोर पर थे, ऊपर नीचे दे के ना मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, हाथ भी कांपने लगे, ट्रे इतना हैवी था। और ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा सर्दी, इतनी ज़्यादा ठंड, अनएक्सपेक्टेड। मतलब बेंगलोर में इतना ज़्यादा नहीं होता है बट इस बार कोविड के बाद जब से मतलब सब कुछ मतलब पोल्यूशन वगैरह भी कम हो गया है, एयर जो है वो भी प्योर, बहुत ही मतलब ग्रीनरी वगैरह बढ़ गई है, तो इस बार ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये शायद 8:30-9 बजे का मैंने शूट किया था। मैं बाहर गई तो हम स्वेटर वगैरह तो यहाँ पर नहीं चलता है इतने ज़्यादा, बट फिर भी निकालना पड़ा, इतनी ज़्यादा ठंड थी। मैं बाहर आई, थोड़ी देर मैंने वॉक करी, थोड़ी देर क्या 10-15 मिनट ही, बट सर्दी बहुत थी तो फिर मैं अंदर आ गई। तो बस ये मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। और आज का दिन ऐसा था कि हमें ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाना था क्योंकि न्यू किचन है, कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा बहुत था। और बस ये चाय बना के मैं नीचे जाना था मदर इन लॉ के पास और ब्रेकफास्ट रेडी करना था। और मैं उनसे पूछ भी रही थी क्या बनाएं आज, क्या करें, तो फ़िश का प्लान था। मैंने कहा चलो आज फ़िश बनाते हैं, करते हैं। तो बस चाय वगैरह बनाई, फुल हैप्पी कि हाँ आज शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो बस फिर मैं नीचे उतर ही रही थी तो स्टेयर्स पे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था ऐसे ही, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि ध्यान से आना, पानी पड़ा है। मेरा सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ, मैं खुद ही स्लिप होकर गिर गई। और वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई, बल्कि मेरे साथ मेरे हाथ में बेबी थी और उसको बचाने के चक्कर में मैंने ऐसा मतलब ग्रिप ऐसा होल्ड करा कि उसको वो ना गिर जाए ज़मीन पर। तो बस वो क्या हुआ, उसको पकड़ लिया मैंने और एकदम से रेलिंग पकड़ ली, बट मेरा जो पाँव था वो मुड़ गया। तो बस ये मैं गर्म पानी में डाल लिया था पैर के अंदर मैंने नमक डाल के, ताकि जो स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं आए और जो भी चोट लगी है हड्डी में वो क्योर हो जाए। और ये बाम वगैरह था मेरे पास तो वो लगा लिया। हस्बैंड बोल रहे थे, मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि एक्सरे वगैरह करा लो, बट मुझे डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था एक्सरे कराया और कुछ उसमें आ गया कि हड्डी वड्डी टूट गई, तो ऐसा डर लगता है ना, पर प्रिकॉशन ले लेना चाहिए, हमें जाना चाहिए। बट मुझे खुद को ऐसा फील हो रहा था जब मैं खड़ी हो रही थी, खुद थोड़ा सा चल रही थी, दर्द था बट इतना ज़्यादा दर्द नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, अगले दिन ठीक हो गया था, पूरी नाइट रेस्ट लिया, पूरे दिन रेस्ट लिया मैंने। तो बस ये मैं बाम लगा रही थी और बाम लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। तो बस मम्मी की कॉल आई कि क्या कर रही हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे गिर गई। तो मम्मी एकदम शॉक्ड हो गई, किस तरह गिर गई, बेबी को तो चोट नहीं लगी। मैंने कहा नहीं बेबी को नहीं लगी, बेबा को लग गई मुझे लग गई। तो खाना वगैरह बनाना था, मदर इन लॉ ने भी ब्रेकफास्ट बना के दिया, वो दो बार बल्कि थर्ड फ्लोर पर चढ़ के आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है, मतलब उनको खुद इतना दर्द वगैरह रहता है।
तो बस फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने पूरा डिनर वगैरह रेडी करा कल तक के लिए, दूसरे दिन तक के लिए, क्योंकि मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और बच्चों को भी मैं, मतलब बच्चे दोपहर में भूख लग रही है, भूख लग रही बोल रहा, और मुझे, मैं रो भी रही हूँ, खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, बट मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फिर हस्बैंड ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और बस मम्मी ने ये खाना बना दिया, आके बना के रख के चली गई थी मम्मी फिर रात में, क्योंकि भाई का काम था, नाइट शिफ्ट थी उसकी। तो बस ऐसा गुजरा मेरा दिन, मेरी ग्रॉसरी भी रह गई। अब इंशाल्लाह जब मेरा पैर ठीक होता है तो इंशाल्लाह जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए, शॉपिंग के लिए। और बस यहीं तक का था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। और अगर अच्छा लगा है मेरा व्लॉग तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी। और बस अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।